बांद्रा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब खेर नगर में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। तीन शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर उस समय गोलियां बरसाई जब वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से निकल रहे थे। घटना के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। गोली चलने के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। दशहरे की रात तकरीबन 9:30 बजे का समय था जब एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी जहां पर पार्क होती है उस जगह पर बाबा सिद्दीकी पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर घाक लगाए बैठे बदमाश बाबा सिद्दीकी का इंतजार कर रहे होते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की जाती है। तीन गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में आनन फानन में अस्पताल लाया गया जहां उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बाबा सिद्दीकी की जान नहीं बचाई जा सकी। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की खबर मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करने वाले दो शूटर्स को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। जिन दो शूटर्स को अरेस्ट किया गया जिसमें से एक का नाम धर्मराज बताया जा रहा है और दूसरे का नाम कर्नेल बताया जा रहा है, दोनों यूपी और हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि वो लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो शूटर्स कन्फेस कर रहे हैं उनको ग्राउंड पर वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी अलग अलग पहलुओं पर जो मुंबई क्राइम ब्रांच है उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर पूरे मुंबई में जंगल में आग की तरह फैल गई। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार अस्पताल पहुंचे। इस दौरान इन नेताओं ने बाबा सिद्दीकी के परिवार को ढांढस बंधाया। सलमान खान ने भी रात में ही अस्पताल पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के परिवार से मुलाकात की। सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लॉरेंस विश्नोई अक्सर सलमान खान को जान से मारने की धमकी जो है वो देता रहता है, क्या उसी के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? तमाम ऐसे सवाल है जो कि मुंबई पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं और मुंबई पुलिस का कहना है कि हर त्योरी पर मुंबई पुलिस काम कर रही है। जो भी फैक्ट सामने आएगा, जो भी दोषी होगी उनकी गिरफ्तारी इस मामले में जल्द से जल्द की जाएगी। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम शख्सियत थे। उनकी हत्या से मुंबई में डर का माहौल बन गया। मुंबई में इतनी बड़ी वारदात से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि मुंबई के इतने पॉश इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये घटना जैसे ही हुई पूरी मुंबई सन्न रह गई, क्योंकि आपको बताएं बाबा सिद्दीकी के बहुत अच्छे संबंध है, चाहे बॉलीवुड की बात करें चाहे राजनीतिक शख्सियतों की बात करें। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, सलमान खान जिन्हें जिगरी बताया जाता है बाबा सिद्दीकी का, वो पहुंचे। जैसे ही घटना की जानकारी मिली वो पहुंचे। इसके अलावा और भी बहुत से चेहरे पहुंचे। सलमान खान की रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रात को ये घटना हुई और जब ये जानकारी मिल गई 11 बजे के करीब कि निधन हो गया है, सलमान खान पहुंचे और आप ये देख पा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को आप देख पा रहे हैं, वो भी पहुंचे। डिप्टी सीएम पहुंचे और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे। अजित पवार को भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी पहुंचे, उन्होंने भी जानकारी ली किस तरह के हालात है, कैसी घटना हुई, क्योंकि हर कोई सन्न रह गया था इस घटना से। और क्योंकि एनसीपी अजित पवार गुट के ही नेता थे तो अजित पवार के लिए तो बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से एनसीपी ज्वाइन की थी, अजित पवार गुट की एनसीपी ज्वाइन की थी और ऐसे में उनके लिए ये प्रश्न बना हुआ था। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रगति सीधे जुड़ रही है जो वहां पर हालात देख रहे। प्रगति, जो अभी स्थिति है, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, आप जहां मौजूद है वहां लग रहा है लोगों का आना शुरू हो गया है क्योंकि शाम तक रुखसती जनाजा निकाला जाना है, क्या कुछ और जानकारी बताइए जरा। बिल्कुल सलोनी, शुरू नहीं हो गया है, बहुत सारे लोग अंदर पहुंचे और बाहर भी आए हैं। बताया जा रहा है सलमान खान भी फिलहाल अंदर हैं, जो कल देर रात लीलावती अस्पताल भी पहुंचे थे, काफी देर तक वो वहां बैठे भी रहे, बात भी की है परिजनों से। और बताया जा रहा है अभी, क्योंकि यहां पर देखिए आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग बहुत लगाई हुई है, इतनी बैरिकेटिंग है कि हम ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं। और आप ये तस्वीरें देखेंगे तो समझ में आएगा जो उनके चाहने वाले उनके आम वोटर्स हैं, आम जनता है, वो अपोजिट साइड खड़ी है, दूसरी साइड पुलिस की तैनाती है। यहाँ पर
कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है, पुलिस की वैन से पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस की टीम है। इसके अलावा ही आप देखेंगे एक के बाद एक गाड़ियां आती नजर आ रही हैं, लेकिन इतनी खुफिया तरीके से अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सलमान खान भी पहुंच चुके हैं, वो अंदर हैं, और क्योंकि बताया जा रहा है मकरीब की नमाज अभी पढ़ी जाएगी, उसके बाद जब नमाज पढ़ी जाएगी उसके बाद जब प्रेयर हो जाएगी, जब वो प्रेयर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो मरीन में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए एक और गाड़ी यहां पर आती दिखाई दे रही है, कई गाड़ियां एक के बाद एक गाड़ियों का सिलसिला यहां पर देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक सेलेब्स पहुंच रहे हैं, चाहे बात सना खान की हो, आरती सिंह की हो, उनके पति भी उनके साथ अंदर पहुंचे। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि सिर्फ सलमान ही नहीं, जानकारी ये भी मिल रही है कि सुहेल खान भी पहुंचे हैं, अर्पिता भी पहुंची है। आप हमारे साथ बने रहेगा, जतिन लगातार अंदर की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन आपके पास भी हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह यह घटना हुई है उस वक्त की कहानी बताता हुआ एक चश्मदीद हमें मिला जिसने बताया कि कैसे अंधाधुंध 6 राउंड गोलियां धड़ाधड़ फायर कर दी गई बाबा सिद्दीकी पर। क्या उस वक्त माहौल था, सुनिए जरा, खुद बता रहे हैं चश्मदीद। पटाखे फूटे, उस पटाखे के बीच में हमें भी लगा कि भाई पटाखे फूट रहे हैं, तो बाद में फिर जब भगदड़ हुई कि गोली चल गई फायरिंग हो गई, तो फिर सब पब्लिक जो है अपना घर की तरफ भागना शुरू कर दी। उस समय नहीं पता चला बाबा सिद्दीकी के ऊपर? नहीं, वो पता नहीं चला कि किसे मारी गोली गई है, उस समय ये पता चला कि बस खाली फायरिंग हुई है, कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं, बस यही पता चला। गोलियों को आवाज़ सुनाई दिया? पटाखे बज रहे थे, तो पटाखे की आवाज़ में वो पता नहीं चल पाया हम लोगों को कि गोलियाँ चल रही है कि नहीं चल रही, लेकिन जब भागना लोग शुरू किए तब हमें भी लगा कि नहीं कुछ तो हुआ है, तो हम भी अपने परिवार को लेकर भागना शुरू किया। उस समय क्या स्थिति थी, क्या माहौल था आपके भी यहीं पे? नहीं, देखिए ढोल वगैरह बज रहा था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो सब नाच गा रहे थे, दुर्गा माता को विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे, तो इस तरफ आगे जहाँ पे इनका ये वारदात हुई है, ये इस तरफ जो वारदात हुई है, तो वहाँ का हमें कुछ नज़ारा पता नहीं चला, लेकिन जब यहाँ से लोग जो कुछ लोग यहाँ थे अगल बगल में जब भागना शुरू किए तब हमें लगा, और सब वो फिर माइक वगैरह सब बंद किया गया, म्यूजिक वगैरह बंद किया गया, और फिर सब भागना शुरू कर दिया। आपको बताएं इस घटना का लॉरेंस गैंग कनेक्शन इसके बाद सामने आ गया, कैसे कनेक्शन सामने आया, कैसे खुलासा हुआ, अब आपको ये बताने जा रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब की जेल में एक दूसरे से ये तीनों आरोपी मिले थे। जी हाँ, ये जो तीनों आरोपी जिन्होंने मौत के घाट उतारा है बाबा सिद्दीकी को, इनकी मुलाकात पंजाब में हुई, और इसी जेल में बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई एक टाइम पर बंद था जब ये मिले थे, जेल में ही बिश्नोई गैंग के सदस्य से इन आरोपियों की मुलाकात होती है, और नाम और दहशत के लिए तीनों बिश्नोई गैंग के शूटर बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लॉरेंस गैंग से जुड़ेंगे तो उनका नाम होगा, उनका डर होगा, उनका सिक्का चलेगा, और यही वजह है कि उन्होंने लॉरेंस गैंग उस वक्त ज्वाइन कर लिया था। पूछताछ में जब आरोपियों से कड़ाई से पूछा गया तो उन्होंने ये दावा किया कि वो लॉरेंस गैंग के शूटर हैं, तो सीधे-सीधे लॉरेंस गैंग से कनेक्शन इस पूरी घटना का अब सामने आ गया। लेकिन आपको बताएं कि जैसे ही लॉरेंस गैंग से कनेक्शन सामने आए, जांच का दायरा बढ़ गया, क्योंकि शूटर्स कहां-कहां से आए थे, हर जगह